IVM। चार मार्च को जब विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने के लिए मोहाली के मैदान पर उतरे तो आपने बहुत ध्यान से देखा होगा कि हर खिलाड़ी के बाजू पे एक काली पट्टी बंधी हुई थी और ये काली पट्टी बंधी थी उस विकेट कीपर को श्रद्धांजलि देने के लिए जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। हम बात कर रहे हैं रॉडनी मार्श की, जो ऑस्ट्रेलिया के शानदार विकेट कीपर थे, या यूं कहें क्रिकेट इतिहास में अगर आप टॉप 5 विकेट कीपर्स की बात करेंगे तो वहां पर रॉडनी मार्श का नाम जरूर आएगा। आज खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर रॉडनी मार्श को हम श्रद्धांजलि भी देंगे और साथ ही बात करेंगे विकेट कीपर्स के बदलते रोल के बारे में। बात करेंगे आज के दौर में विकेट कीपर्स कितने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं किसी भी टीम के लिए, और अगर आप इतिहास उठा के देखें पिछले 10 या 15 सालों का, जिस टीम के पास बेहतर विकेट कीपर रहे, बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन रहे, उस टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डोमिनेट किया। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है, मैं हूं राजीव मिश्रा। हमारे तमाम व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस शो में, और क्योंकि हमने चर्चा की शुरुआत रॉडनी मार्श से की, आज अच्छी बात यह है कि हमारे साथ हिंदुस्तान के लिए खेल चुके विकेट कीपर बैट्समैन सबा करीम हमारे साथ हैं और अयाज सर हमारे साथ हैं, जिन्होंने कई ऐसे विकेट कीपर्स का करियर देखा है जिन्होंने अपनी अपनी टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सबा भाई गुड मॉर्निंग, और साथ ही रॉडनी मार्श को श्रद्धांजलि देते हुए चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि एक ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन को हमने खोया जिसने ऑस्ट्रेलिया को बहुत कुछ दिया, जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को एक अलग तरीके का रोल मॉडल दिया एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, और धीरे धीरे हम सबको समझ आया कि विकेट कीपिंग सिर्फ थैंकलेस जॉब ही नहीं बल्कि अगर आप एक्चुअली देखने जाए तो विकेट कीपर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी फॉर्मेट की अगर हम बात कर लें तो। एक रिवॉर्डिंग जॉब है, मुझे हमेशा से ये लगता रहा है राजीव के, और ये एक ऑलराउंडर की पोजीशन हो गई है। अब अगर आप अच्छे कीपर हैं उसके साथ साथ आप अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं तो फिर आपका जो ओहदा होता है, फिर आपकी जो पोजीशन होती है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है टीम में, आप और ज्यादा वैल्यू एड करते हैं। रॉडनी मार्श के बारे में आपने चर्चा की, मुझे तो लगता है कि उन्होंने विकेट कीपिंग को एक नई परिभाषा दी है, रिवोल्यूशनाइज किया उन्होंने, क्योंकि उस समय जिस तरह की बॉलिंग अटैक थी ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर आपको एक ऐसा कीपर चाहिए था जो विशेष करके ऑस्ट्रेलियाई विकेटों पर एजाइल हो, फिट हो, काफी ग्राउंड कवर कर सके, जो कि रॉडनी मार्श ने किया। और वो जो कुछ फोटोज उस समय जो हम लोगों को देखने को मिलती हैं वो दर्शाता है कि कितने ज्यादा फिट थे। और हम लोग जब मैंने खेलना शुरू किया, जब मैं ग्रो कर रहा था, उस समय सिर्फ दो ही कीपर्स के नाम सुनने में आते थे, रॉडनी मार्श और एलन नॉट। एलन नॉट के साथ साथ कुछ हद तक बॉब टेलर, बस यही तीन कीपर्स थे। और फिर धीरे धीरे करके किरमानी जी का नाम सामने आने लगा, तो यही तीन चार कीपर्स थे जिसको सब लोग पहचानते थे, सब लोग जानते थे, और जो यंग कीपर्स बड़े हो रहे थे मेरी तरह, हम सब लोग यही चाहते थे कि हम उन कीपर्स को इम्यूलेट करें, उन कीपर्स की तरह हम भी फिट रहें, उन कीपर्स की तरह हम भी देश को रिप्रेजेंट करें। हाँ, पर देखते देखते बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है अब कीपर्स की आइडेंटिटी में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भारत टीम के लिए। सर आपने भी बहुत महान विकेट कीपर्स को कवर भी किया, आपने ऑब्जर्व भी किया उनको। हरजय ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, ये उनका कहना है कि पहले के जो विकेट कीपर्स होते थे वन डायमेंशनल होते थे, यानी कि अच्छे विकेट कीपर होते थे, बैटिंग पे उतना ज्यादा तवज्जो नहीं था। क्या रॉडनी मार्श के बाद के एरा से बैट्समैन भी विकेट कीपर जो है अच्छा कंट्रीब्यूशन करने लगे बैटिंग में, क्योंकि रॉडनी मार्श का मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रहा था, इनिशियली उनको एज अ बैट्समैन ही लोग ट्रीट करते थे, बाद में उन्होंने अपने विकेट कीपिंग में कमाल का सुधार किया और ऑल टाइम ग्रेट विकेट कीपर्स की लिस्ट में आ गए। देखिए, मेरे ख्याल से पहले से ही कुछ हद तक विकेट कीपर जो थे वो बैटिंग के लिए भी जाने जाते थे। अगर आप फारूक इंजीनियर देख लें, उदी कुंदरन, जो ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन थे वो, सैयद किरमानी ने भी बड़ा योगदान दिया विद द बैट। लेकिन जिस तरह से रॉडनी मार्श का एक किरदार था, क्योंकि एक तो जब वो आए तो उनकी विकेट कीपिंग पे काफी क्रिटिसिज्म हुई थी, उनको आयरन ग्लव्स कहते थे कि उनकी टेक्निक जो है सही नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। और बैटिंग तो लोअर ऑर्डर में वो बैटिंग कर ही लेते थे, सेंचुरीज भी बनाए। एलन नॉट जिसका नाम लिया है सबा ने, वो एक्चुअली विश्व के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर माने जाते थे, विकेट कीपर बैट्समैन, और रॉड मार्श उनके टक्कर में आए और फिर उनके आगे बढ़ गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जो थे लिली थॉमसन, कॉट मार्श बोल लिली एक तरह से उस दौर का मेटाफर है जब वो खेल रहे थे और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया। लेकिन
सवाल ने बिल्कुल कहा और आप भी कह रहे जैसे यूनि डायमेंशनल, मुझे लगता है कि जब से वन डे क्रिकेट आई तब से अहम जो जो इम्पोर्टेंस है विकेट कीपर बैट्समैन का और बढ़ गया, और आप देखेंगे कि व्हाइट बॉल क्रिकेट की वजह से बहुत से ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन आए जो आजकल खेल रहे हैं, जो अग्रेसिव बैट्समैन है, एडम गिलक्रिस्ट है, एक नया दौर उन्होंने शुरू किया जिस तरह से उनका अंदाज था बैटिंग करने का, और आजकल हर कोई विकेट कीपर बैट्समैन जो है एक तरह से उनके नक्शे कदम पे चल रहा है। अब धोनी ले ले, यंग धोनी नॉट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, या आप ऋषभ पंत ले ले, ये सब जो ऐसे लग रहा है कि एडम गिलक्रिस्ट के कदमों पर चल रहे हैं। और एक दूसरा जो पहलू आया इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी समझने के लिए, वो है कुमार संगकारा। वो बहुत ही हाई लेवल के बल्लेबाज थे और विकेट कीपर भी थे, और विकेट कीपिंग छोड़ दिया बिकॉज ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हिज बैटिंग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न क्रिकेट में खास करके आप, यानी अगर आपको चूज करना है टीम, आप पहले कैप्टन को चूज करेंगे, उसके बाद आपको विकेट कीपर कैप्टन विकेट कीपर बैट्समैन चूज करना पड़ेगा। वो नंबर सेकंड चॉइस, अगर वो कैप्टन खुद नहीं है तो नंबर सेकंड चॉइस प्लेयर आपको विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, वरना आपकी टीम बनती नहीं है। जो आज ने कहा उसी पर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि पहले था कि यू नो कि कीपर के सामने ये लिखा जाता था ही कैन ऑल्सो बैट, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है कि ही कैन बैट और ही इज अ बैट, ही इज अ बैटर, ये बहुत बड़ा अब एक और जो चेंज आया है कि जैसे जैसे ऑलराउंडर्स की भूमिका बढ़ती जा रही है उसी प्रकार से विकेट कीपर की भी भूमिका बढ़ी है, और उसका सही कारण ये है कि जैसे कि आज ने कहा व्हाइट बॉल क्रिकेट से अब हर एक टीम चाहती है कि आपकी टीम में ज्यादा ऑलराउंडर्स हों, और 83 विश्व कप में हम लोग जो जीते थे उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि उस टीम में कितने सारे ऑलराउंडर्स थे। तो जब से ऑलराउंडर की अहमियत बढ़ी है तब से सभी को लगने लगा है कि विकेट कीपर भी एक ऑलराउंडर है, और वहां से जो इम्पैक्ट है विकेट कीपर का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सभा भाई आप मानते हैं जिस तरह से हम बात करते हैं किसी भी ऑलराउंडर के लिए, कपिल पाजी के लिए कहा जाता था नेचुरल एथलीट हैं, रिचर्ड हेडी हों या यान पोथम है, क्या उसी तरह से आज के दौर में हम विकेट कीपर्स को भी कह सकते हैं नेचुरल एथलीट हैं, जिनकी कीपिंग जिनकी बैटिंग हमेशा चर्चा में रहती है, लोगों का ध्यान रहता है, ये नेचुरल क्रिकेटर होना क्या कीपर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात है राजीव, क्योंकि मुझे लगता है इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। विकेट कीपिंग एक ऐसा स्किल है जो आप सीख सकते हैं। कई सारे ऐसे विकेट कीपर्स हैं जिन्होंने बचपन से ही कीपिंग करना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्होंने बैटिंग पे ध्यान दिया। कई सारे ऐसे ऐसे मेरे तरह हैं जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करनी शुरू की, उसके बाद विकेट कीपिंग करने का मौका मिला, फिर वो इंटरेस्ट जागा और फिर उस पर आपने मेहनत की और फिर आप विकेट कीपर बन गए। तो हाँ, पर ये जरूरी है कि विकेट कीपिंग में हमेशा आपको मेहनत करनी होती है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि चैलेंजेस अलग अलग किस्म के होते हैं। तो अगर आप अप टू डेट नहीं है या फिर आप तैयार नहीं है उतनी मेहनत करने के लिए या फिर अपने गेम में और सुधार लाने के लिए, तो आगे चलकर आपके आपके सामने दिक्कतें बढ़ जाती हैं। पर नेचुरल एथलीट आपको इवेंचुअली क्रिकेट खेल रहे हैं आपको फिट तो रहना पड़ेगा, पर ये एक ऐसा स्किल है जहां पर जो आप सीख सकते हैं। और मुझे लगता है कि, और ये बहुत बड़ी बात ये भी है राजीव, कि एक ऑलराउंडर के रूप में विकेट कीपिंग आपको हेल्प करती है बैटिंग में, बैटिंग आपको हेल्प करती है विकेट कीपिंग में, और ये कॉन्फिडेंस का मैटर होता है। अगर आप अच्छी कीपिंग कर रहे हैं तो आपकी आपकी बल्लेबाजी में भी सुधार होता है, अगर आप बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं तो फिर आप कीपिंग में सुधार होता है, और ये बहुत बड़ा बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है विकेट कीपर के लिए, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है विकेट कीपर के लिए। आया सर, क्योंकि 4 मार्च को जब रॉडे मार्श ने दुनिया को अलविदा कहा उसी दिन ऋषभ पंत भी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने 96 रन भी बनाए, और बरबस में वो फ्लैशबैक में जा रहा था बार बार, क्योंकि मुझे टेस्ट क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट, और मैं जैसे जैसे वो रील पीछे ले जा रहा था मुझे वो सडनली याद आने शुरू हुए, वो तमाम विकेट कीपर्स का दौर जहां से पहले विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए होता था, बैट्समैन देन विकेट कीपर चाहिए, ये जो लाइन है वो कब चेंज हुई आपके जहन में? देखिए मेरे ख्याल से इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है, बड़ा जो बदलाव आया वो है एडम गिलक्रिस्ट के साथ, उसके साथ साथ उनके साथ कुमार संगकारा भी आया जो बहुत ही हाई लेवल के परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन आल्सो, और एडम गिलक्रिस्ट ने तो बदलाव लाया जिस अप्रोच में पूरी वनडे क्रिकेट में, उनके साथ जो वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम के थे, लेकिन टेस्ट मैचेस में भी अगर एडम गिलक्रिस्ट आपके लिए नंबर 7 पे बैटिंग करते हैं तो दिन में 350 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑल आउट अटैक जो कहते हैं ना, टोटल अटैक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था। तो मेरे ख्याल से एडम गिलक्रिस्ट जो है बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट है इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में, जिस तरह से उनका अंदाज रहा है, और जो आपने फिटनेस की बात की वो बहुत ही एथलेटिक विकेट कीपर थे, तो एथलेटिसिज्म तो खैर आ ही गया था, हर कोई क्रिकेटर आजकल अगर आप फिट नहीं है
तो आपकी जगह नहीं बनती। आपके पास जो भी स्किल्स हो, अगर आपका फिटनेस लेवल लो है तो बहुत मुश्किल है आपकी जगह टीम में बरकरार रखने के लिए। तो एडम गिलक्रिस्ट ने बड़ा बदलाव लाया है। फिलहाल अगर आप देखें, बाबर आजम शायद पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन हो, लेकिन बेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, जिस तरह से वो खेल रहे हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि उनका योगदान दोनों ही कैटेगरी में है और वो आज मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए। वैसे ही ऋषभ पंत उभर के आ रहे हैं कि बड़े स्टार्स हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा वगैरह, लेकिन जिस तरह से ऋषभ पंत का किरदार रहा है खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी अगर आप देखें, और उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा है क्योंकि वो गेम को चेंज कर सकते हैं दो चार ओवर में। अब ये है विकेट कीपिंग की भी एक शिकायत थी उनसे कि उनकी विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं है। विकेट कीपिंग में काफी इम्प्रूवमेंट आया, इसके ऊपर सवाल ज्यादा बता सकते हैं आपको कि टेक्निकली किस तरह से वो इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है एज एन ऑलराउंडर अगर आप हैं तो, या आप बैटिंग ऑलराउंडर हो सकते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हो सकते हैं, विकेट कीपिंग ऑलराउंडर हो सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर आप पुअर हैं कोई भी एक चीज में, अगर विकेट कीपिंग में आप बहुत सारे रन देते हैं, कैचेस छोड़ देते हैं, तो आपके रन बना बल्ले से रन बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर आप ऑलराउंडर है आपको दोनों ही यू नो दोनों ही पहलू में आपको एक्सेलेंस दिखाना होगा, और यही डिमांड है मेरे ख्याल से ऋषभ पंत पे भी आगे बढ़ते हुए। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट की बहुत चर्चा होती है कि उन्होंने विकेट कीपिंग की दुनिया में एक तहलका मचाया, एक नया दौर लेके आए सभा भाई, लेकिन उसी से ठीक पहले यान हिली जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, मेरी नजर में वो इतने कमाल के विकेट कीपर थे, जिस तरह का उनका कलेक्शन था, जिस तरह से वो शेन वॉन के साथ उनका एक रैपो बना हुआ था, वो बिल्कुल डिफरेंट विकेट कीपर थे, जिनकी बैटिंग के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी बट उनका ग्लव वर्क हमेशा चर्चा में रहता था। क्या यान हिली थे वो, यान हिली और उनकी जो तकनीक थी, उनका जो फुटवर्क था, उनका जो ग्लव वर्क था, वो कमाल का था। और मुझे लगता है कि मैं तो अभी भी इसी पे आ रहा था सब भाई, उनकी चर्चा इसलिए ज्यादा कम होती कि बैटिंग नहीं कर पाते थे, बैटिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं था उतना। देखिए चर्चा उनकी भी होती है, अगर अगर आप पूछेंगे कि उस एरा में सबसे बड़ा कीपर कौन था तो मैं कहूंगा यान हिली, क्योंकि उन्होंने भी एक तरह से कीपर को कीपिंग को नई नई परिभाषा दी। जैसे कि मैंने कहा ग्लव वर्क, उनकी स्किल, उनकी फिटनेस लेवल्स बहुत ज्यादा शानदार थी। हाँ, पर उनकी बल्लेबाजी में अगर हम देखें तो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन एडम गिलक्रिस्ट ने दिया है रेड बॉल क्रिकेट में या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उतना वो दे नहीं पाए क्योंकि बैटिंग वो क्वालिटी थी नहीं। हालांकि नंबर सात नंबर आठ पर आते थे बैटिंग करने के लिए, कई बार उन्होंने अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिए हैं, पर तुलना अगर हम करें एडम गिलक्रिस्ट थोड़ा बहुत बल्लेबाजी में सिर्फ थोड़े बहुत नीचे हैं, पर कीपिंग में तो मुझे लगता है कि सबसे उस एरा के सब नंबर वन विकेट कीपर थे यान हिली। जी है सर, देखिए मैं मेरे ख्याल से टेक्निकली सैयद किरमानी बहुत ही ऊंचे दर्जे के विकेट कीपर थे, खास करके अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग या यू नो जिस तरह के इंडिया के पास स्पिनर होते थे, इन पिचेस पे विकेट कीपिंग करना इतना आसान नहीं है। एक और नाम जो हमें नहीं भूलना चाहिए वो है जेफरी डूजॉन, जिनकी वजह से बहुत सारे विकेट जो है वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों को मिले, और वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते थे क्योंकि वेस्ट इंडीज की बैटिंग टीम में अगर आपको चार फास्ट बॉलर फिट करने हैं नंबर सात पे, आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो रन्स कंट्रीब्यूट कर सके रेगुलरली। ये जरूर था कि उनके पास ग्रीनेज, हेन्स, लॉयड, रिचर्ड्स ऐसे बैट्समैन थे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी जेफ डूजॉन की, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी वो कंट्रीब्यूट करते थे। तो हर दौर में मेरे ख्याल से आपको मिलेंगे ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किए आइदर विद द ग्लव्स और विद द बैट। लेकिन सभा भाई चर्चा तो हमेशा जो बल्लेबाज अच्छा है जो उसके बाद विकेट कीपिंग करता है उसी को क्यों फिर लाइमलाइट मिलती है। हम सैयद किरमानी की भी बात कर रहे हैं, हम यान हिली की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो हीरो बनने की बात है देन वहां पे ऋषभ पंत आ जाते हैं, वहां पे एडम गिलक्रिस्ट आ जाते हैं। अब एक सवाल और आ रहा है कि क्या ऋषभ पंत आज की मॉडर्न क्रिकेट के नंबर एक विकेट कीपर बैट्समैन है या बैट्समैन विकेट कीपर नंबर वन है? मुझे लगता है कि कड़ा मुकाबला है इस समय ऋषभ पंत, चूंकि हम लोग उनको नजदीक से देख चुके हैं, उनकी ग्रोथ को हम लोग देख रहे हैं, तो इसी वजह से उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, धीरे धीरे उनकी वैल्यू जो है टीम में बढ़ती जा रही है, वो परिपक्वता आ गई है। अब मुझे अभी भी लगता है कि हालांकि T20 क्रिकेट में या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी भी कुछ इवॉल्व करना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, पर टेस्ट क्रिकेट में कम से कम रेड बॉल में निरंतर वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक कंप्लीट प्लेयर बन जाएंगे अब तीनों फॉर्मेट में, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर उसके साथ साथ रिजवान के बारे में बात की अयाज ने, वो भी एक कंप्लीट प्लेयर हैं व्हाइट बॉल में भी और रेड बॉल क्रिकेट में भी, तो इस समय मुझे लगता है कि यही एक दो प्लेयर्स हैं। जॉनी बेस्टो हाल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, हालांकि वो कीपिंग करते नहीं है,
वो अलग किस्म का कि टीम मैनेजमेंट का निर्णय रहता है कि एक रेगुलर कीपर कोई और होता है, जॉनी बेस्टो एक बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। तो यही दो तीन नाम है। मुझे ये भी लगता है कि जब से ये व्हाइट बॉल क्रिकेट हुई है तब अलग प्रकार का डायमेंशन ऐड हो गया है विकेट कीपर को। अब डुजॉन हो या किरमानी हो या फिर इयान हीली हो या फिर उससे पहले जो विकेट कीपर, चूंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट उतनी होती नहीं थी तो उतना ज्यादा जो हम लोग कहते हैं कि जो यूटिलाइज करना चाहिए था कीपर्स के बैटिंग प्रोवेस को वो उतना कर नहीं पाए। जब से ये व्हाइट बॉल क्रिकेट हुई है तब टीमों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है, क्या हम इस कीपर को ओपन करा सकते हैं कि नहीं। तो जैसे जैसे आपको ज्यादा मौका मिला है बल्लेबाजी में उस हिसाब से विकेट कीपर्स की वैल्यू भी बढ़ती गई है। अगर एडम गिलक्रिस्ट ओपन नहीं करते तो क्या हम उनके बारे में इतनी बात करते हैं? इतनी बात हम नहीं कर पाते क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता। उसी तरह से ब्रैंडन मैकलम हो गए, उन्होंने इतने शानदार तरह से कप्तानी भी की, कीपिंग भी की, बल्लेबाजी भी की। तो मुझे लगता है कि रोल अब जो है और ज्यादा बढ़ गया है विकेट कीपर का, और कोचेज या फिर कप्तान है कि विकेट कीपर को एक बल्लेबाज के रूप में अलग अलग पोजिशन में ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आगे बात करेंगे कि क्या बदलते क्रिकेट के दौर में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स विकेट कीपर्स के साथ हुए हैं, इस पे आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और सभा भाई और अयाज सर का रिएक्शन इस पॉइंट पे लेंगे। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fans point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने विकेट कीपर्स के रोल पे चर्चा की, बदलते दौर के साथ किस तरह से विकेट कीपर्स से डिमांड बढ़ी टीम मैनेजमेंट की, उस पर चर्चा की। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स विकेट कीपर के साथ किए गए, वो चाहे डेव हॉटन की बैटिंग की आप याद कर लें वर्ल्ड कप में, जिस तरह की आतिशी पारी उन्होंने खेली, एक नया समीकरण उन्होंने बना दिया, यान स्मिथ जिस तरह से पिंच हिटर के तौर पे आते थे न्यूजीलैंड के विकेट कीपिंग बैट्समैन, वेन फिलिप्स एक और नाम जहन में आते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपिंग बैट्समैन थे, उनके साथ भी तमाम एक्सपेरिमेंट्स हुए, यहाँ तक कि नयन मोगिया को भी एज अ पिंच हिटर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस्तेमाल किया। अब सभा भाई ये दर्द होता है थोड़ा कि जब पंचिंग बैग बनाया गया विकेट कीपर्स को समय समय पे, आपको लगता है हीरो बनने का मौका दिया, कुछ लोग हीरो बने और कुछ जीरो साबित हुए? नहीं, हीरो बनने का मौका था राजीव, मैंने भी काम किया है कई बार एक पिंच हिटर के रूप में, मुझे भी ओपन कराया गया था विशेष करके पाकिस्तान के विरुद्ध। पर लुकिंग बैक अब मुझे लगता है कि अगर हमारी तैयारी ज्यादा अच्छी रहती, अगर ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन होता मैचेस के पहले, तब ज्यादा चांसेस बढ़ जाते अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी प्रिपरेशन में भी, क्योंकि उस समय आपके पास बॉलर्स कम होते थे, सिर्फ 3 या 4 बॉलर्स होते थे, तो प्रैक्टिस सेशंस होते थे वहां पर, आपके जो टॉप बैटर्स हैं उनको हमारे मेन बॉलर्स बॉलिंग करते थे। जब आपको पिंच हिटर के रूप में इस्तेमाल भी करना था तो उसके पहले उस प्रकार की तैयारी आपको ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस कर नहीं पाते थे, पर उसके बावजूद में मुझे ये तो हमेशा से ये लगता है कि वो मौका था। अगर हमारे हमारी तैयारी और अच्छी रहती, अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ अगर आप बैटिंग करते तो लंबे समय तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे। और कई बार वो पोजीशन जो है बड़ा बहुत ही फ्लेक्सिबल रहती थी, वो कौन से अटैक के सामने कब इसको भेज दे, तो जो ओवरऑल अगर टीम की प्लानिंग अच्छी होती तो मुझे लगता है कि और ज्यादा आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता था। लेकिन आया सर, मुझे लगता है कि विकेट कीपर के जो बैटिंग का नंबर था उसको खासतौर से टीम मैनेजमेंट उस टाइम पे सोचती थी, अगर रन बना गए तो ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो आउट हो गया तो काउंट नहीं करते थे, तभी इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए। आपको लगता है उस दौर में काउंट नहीं होते थे विकेट कीपर एज अ बैट्समैन, मतलब जैसे विकेट कीपर का नंबर आएगा उनको लगता था टैलेंडर शुरू हो गए, और इसी वजह से विकेट कीपर्स ने सबसे ज्यादा टॉप में बल्लेबाजी की, कुछ बहुत ज्यादा सक्सेस हुए और कुछ फिर फेल भी हुए इसमें? एक्चुअली मेरा इस ओपिनियन अलग है इसमें राजीव। मुझे लगता है कि जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता था तो विकेट कीपर के ऊपर बोझ आ जाता था कि आप अभी स्थिति संभालिए, तभी तो मैंने कहा पंचिंग बैग। जैसे आप देखे दीप दास गुप्ता, नयन मोंगिया, इन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन में सभा भी शायद किए होंगे, ओपनिंग और कोई मिला नहीं आपको, दिनेश कार्तिक इंग्लैंड में ओपन किया उन्होंने, आप उनसे ओपन करवा दीजिए। नाइट वॉचमैन का भी आपको 2-3 विकेट गिर गई है, आज संभालना है आज का सिचुएशन, तो आप विकेट कीपर को भेज दिए। उसकी वजह मेरे ख्याल से खास ये थी, एक तो ये है कि विकेट कीपर्स के पास आई साइट और रिफ्लेक्सेस बहुत सही होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में कोप कर सकते हैं, और रीडिंग ऑफ द मैच,
क्योंकि पिच के पीछे खड़े रहते हैं। जैसे अगर विकेट में हरकत है, सीम मूवमेंट है, स्पिन है, स्विंग है ज्यादातर करके, तो वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रोटेक्शन मिलता है बैट्समैन को कि थोड़ा सा सुधर जाए पिच, फिर आपके मेन बैट्समैन आएंगे। लेकिन ये दौर भी मेरे ख्याल से, जैसा मैंने बताया कि एडम गिलक्रिस्ट और संगकारा वगैरह ऐसे प्लेयर आने के बाद बदल गया है। आज जो है ऋषभ पंत हो, जॉस बटलर हो, मोहम्मद रिजवान हो, ये एक्चुअली फुल फ्लेज बैट्समैन भी है। अगर आप इनसे विकेट कीपिंग भी हटा ले तो ये एज अ बैट्समैन लगभग क्वालिफाई कर लेंगे टीम में खेलने के लिए। जब जॉस बटलर और जॉनी बेस्ट्रो के बीच में तो काफी अरसे से हमने देखा है कि विकेट कीपिंग जॉब जो है आगे पीछे चल रही थी, अब फोक्स आए हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी आई है विकेट कीपिंग की। आगे चल के अगर ऋषभ पंत आपको नहीं चाहिए कि उनको रेस्ट देना है किसी किसी वजह से एज अ विकेट कीपर, आप उन्हें डेफिनेटली एज अ बैट्समैन इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीपल रोल्स आ गए हैं विकेट कीपर बैट्समैन के लिए, और ये सब जो है ज्यादा करके हुआ है बिकॉज ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट। बट मुझे ऐसा लगता है यार सर, ये सब कुछ हुआ महेंद्र सिंह धोनी के एक्सपेरिमेंट की वजह से, क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी को आप नंबर तीन पे नहीं खिलाते, मुझे याद है वो मैच में कवर कर रहा था वाइजेक में, तो शायद हमें महेंद्र सिंह धोनी मिलते ही नहीं। जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं रांची एयरपोर्ट पे उनसे बात कर रहा था और वो बहुत ज्यादा दुखी थे कि उनको नंबर 6-7 पे बैटिंग आती है, 8-10 गेंदे खेलने को मिलती है और कभी भी टीम से बाहर हो सकते हैं। बट वो सडनली जो एक्सपेरिमेंट की दौर की हम बात कर रहे हैं, जो सभा भाई ने कहा कि आप कितने तैयार हैं उस मौके को बनाने के लिए, शायद महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ा एग्जांपल है कि नंबर 3 पे उनको भेजा गया और रेस्ट इज हिस्ट्री फॉर इंडियन क्रिकेट। देखिए मौके का पूरा फायदा उठाया, वो अपॉर्चुनिटी मिली और जहां से उन्होंने सेंचुरी लगाई और फिर उसके बाद पीछे मुड़के देखे ही नहीं। लेकिन इससे पहले भी जैसे फरूक इंजीनियर पहले सब नंबर 7-8 पे बैटिंग करते थे, नहीं बिकेम ओपनिंग बैट्समैन और उस जमाने के पिंच हिटर थे। एडम गिलक्रिस्ट जो है टेस्ट में नंबर 7 पे खेलते थे और वनडे क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन थे और बड़े धुआंधार बल्लेबाजी करते थे। तो ये जो चेंज आया है मेरे ख्याल से 1990s से शुरू हुआ और अब तक चलते आ रहा है। और एक्चुअली अब क्या हो गया है, प्लेयर्स जैसे आए, जैसे गिलक्रिस्ट हो गए, मार्क बाउचर हो गए वगैरह, महेंद्र सिंह धोनी, उसकी वजह से अब कंपैरिजन इतना हो गया है कि जितने भी नए विकेट कीपर आ रहे हैं आप उनकी तुलना करोगे विद धोनी एंड विद एडम गिलक्रिस्ट एंड संगकारा, तो उनके लिए प्रेशर बहुत ज्यादा है परफॉर्म करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए किस वजह से वो टीम में है। यानी विकेट कीपिंग भी बेहतरीन होनी चाहिए और बल्लेबाजी तो टॉप ड्रॉवर ए कैटेगरी की बल्लेबाजी भी चाहिए उनसे। बिल्कुल सभा भाई, आप मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत बड़ा चेंज लेके आए ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट में बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में? जिस अप्रोच के साथ वो खेलते थे, जिस तरह से मैच को फिनिश करते थे, लोगों के लगने लगा कि एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है तो जीत की गारंटी है आपकी टीम के लिए। मुझे लगता है कि भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है इंडियन क्रिकेट में एमएस धोनी का, क्योंकि तब सभी को अब ये लगने लगा एमएस धोनी के परफॉर्मेंस से कि उनको एक मैच विनर मिल गया है और एक विकेट कीपर मैच विनर, इसके पहले मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट भारतीय क्रिकेट में उस हिसाब से देखने को मिला नहीं था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जरूर था, एडम गिलक्रिस्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, पर भारतीय क्रिकेट में मुझे लगता है ये पहला खिलाड़ी, तो नहीं केवल व्हाइट बॉल क्रिकेट में पर रेड बॉल क्रिकेट में भी हमें एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज मिला जो कि एक मैच विनर हो सकता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है भारतीय क्रिकेट पर और इसी वजह से हम लोग अभी भी तुलना कर रहे हैं एमएस धोनी की एडम गिलक्रिस्ट की, बिकॉज एडम गिलक्रिस्ट एमएस धोनी से पहले आए थे, तो जो हम लोग हमेशा ये लगता था उस वक्त के काश हमें एक एडम गिलक्रिस्ट जैसा बल्लेबाज या विकेट कीपर मिल जाए जो हमें मैचेस जिता दे, और वही प्रूव किया एमएस धोनी ने। तो एडम गिलक्रिस्ट और एमएस धोनी की जो कैटेगरी है मुझे लगता है बहुत कुछ सिमिलर है। संगकारा के बारे में हमने बहुत कम बात करते हैं, पर मुझे लगता है कि सभी, अगर आप पूरी की पूरी लिस्ट देखेंगे विकेट कीपर्स की, तो संगकारा एकमात्र ऐसे विकेट कीपर है जो टॉप ऑर्डर बैटर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी और रेड बॉल क्रिकेट में भी। ऐसा मुझे लगता नहीं है कोई और विकेट कीपर है जिसने टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में इतने लंबे समय तक व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट खेली होगी। तो वो एक अकॉम्प्लिश बल्लेबाज थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड एवरेज देखेंगे रेड बॉल क्रिकेट में तो अद्भुत है, मुझे लगता है यार अब 54 या 55 का एवरेज है। इतने ज्यादा शतक वो लगा चुके हैं और चैलेंजिंग कंडीशन में, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, तो वो एक अलग किस्म का ही बल्लेबाज विकेट कीपर था संगकारा। क्या आया सर, जो नाम ले रहे हैं सब भाई, संगकारा हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या एडम गिलक्रिस्ट हो, क्या अब सेलेक्टर्स के जहन में भी पहली सोच ये रहती है कि हमें एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो इन तमाम खूबियों को फिल करता हो, और इसी वजह से आप ऋषभ पंत को तैयार करते हैं, आप ईशान किशन पे भरोसा दिखाते हैं,
अब के भरत को टीम में ले आते हैं, लेकिन दुनिया के जो बेहतरीन विकेट कीपर्स में शुमार है रिद्धिमान शाह, उनको आप क्या देते हैं कि आप रेस्ट ले लें? देखिए मेरे ख्याल से रिद्धिमान शाह के लिए तो काफी चर्चा में भी थे अभी फिलहाल और कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई, एक उम्र का तकाजा तो है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो खेल नहीं सकते या वो अभी तक अभी ऑलरेडी जो है उनकी फिटनेस जो है लेवल गिर गई है या स्किल्स लेवल गिर गई है। मुझे लगता है अभी भी ओवरसीज कंडीशन अगर आप देखें तो शायद वो सबसे बेहतरीन टेक्निकली विल बी द बेस्ट विकेट कीपर इन इंडिया। लेकिन जहां तक नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा है सर, मैं कह रहा हूँ डिमांड टीम मैनेजमेंट कैसी हो गई कि एक विकेट कीपर बैटिंग में अगर ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है या टीम मैनेजमेंट को नजर आ रहा है कि इसमें है पोटेंशियल टेस्ट मैचेस जिताने का, वो आप रखना पसंद करते हैं टीम में? मेरे ख्याल से हर जगह जो थिंकिंग हो गई है टीम मैनेजमेंट की, कोच हो या कैप्टन हो या सिलेक्टर्स हो, वो ये है इंपैक्ट प्लेयर्स, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मुझे मैच जिता के एग्जैक्टली ये हो गया, ये सोच हो गई है। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा अपने जो बेट्स जो है वो हेज करते हैं कि ये बैट्समैन मुझे जिता सकता है मैच, भले ही उसकी विकेट कीपिंग थोड़ी सी हल्की हो, वो इम्प्रूव करेगा, यंग प्लेयर है तो उसको हम ज्यादा चांस दें, ये थिंकिंग तो जरूर हो गई है। और हर कोई ऐसे प्लेयर्स खोज रहा है जिनके पास नहीं है, उनकी खोज लगी हुई है कि ऐसे प्लेयर हमारे पास आए। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बिगेस्ट प्लेयर लास्ट ईयर इंटरनेशनल क्रिकेट में उभर के आए मोहम्मद रिजवान, जिस तरह से उन्होंने ODIs में और T20 में बैटिंग की है और नंबर वन प्लेयर है T20s में, और पाकिस्तान की टीम की अगर आप सिलेक्शन देखें तो नंबर वन फर्स्ट चॉइस मोहम्मद रिजवान है। वैसे ही मुझे लगता है हर टीम जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि आप कैप्टन, अगर वो विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, आप पहले कैप्टन चूज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चॉइस जो है सिलेक्टर्स अगर डिसाइड करते हैं वो कहेंगे कि विकेट कीपर बैट्समैन कौन है, फिर उसके बाद आप दूसरे प्लेयर देखेंगे, फास्ट बॉलर, मिडिल ऑर्डर वगैरह वगैरह। बट अब क्योंकि आप मोहम्मद रिजवान का कई बार आया सर जिक्र कर दिया आपने, तो मेरे पाकिस्तान के कई विकेट कीपर्स जहन में घूम गए जिन्होंने वसीम वकार के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मैचेस जिताने में, मोइन अली हो या राशिद लतीफ हो, उनकी बैटिंग स्किल कमाल की थी। मैं तो मोइन अली का बड़ा फैन था, जिस तरह की मोइन खान और राशिद लतीफ जिस तरह की बैटिंग करते थे, आपको भी याद होगा सवा भाई, जिस तरह के मैचेस जिताए हैं पाकिस्तान के लिए दोनों विकेट कीपर्स ने, और हमारे पास कुछ विकल्प होता नहीं था, बहुत ही शानदार वो विकेट कीपर बल्लेबाज थे और क्रूशियल नॉक्स उन्होंने खेली और बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं मोइन खान। राशिद के साथ मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ एक या दो ही मैचेस हुए हैं, वो भी बहुत ही शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज थे। पाकिस्तान में क्या अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सबसे पहला नाम मुझे वसीम बारी का याद आता है आज। वसीम से मेरा के थे किरमानी की तरह, और उनकी कीपिंग भी मुझे लगता है कि बहुत ही अनकन्वेंशनल थी, जिस तरह की किरमानी की कीपिंग थी, उनकी जो तकनीक थी बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही यूजफुल लोअर मिडल ऑर्डर बैट रहे हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि नई पौड़ शुरू हुई विकेट कीपर्स की पाकिस्तान में, वो सलीम यूसुफ मुझे लगता है एक दौर उनका था, उसके बाद मोइन खान आए, राशिद लतीफ आए, अब इस वक्त रिजवान है, इसके पहले कामरान अकमल, इंसिडेंटली अभी मैं शारजा गया था, अनिल दलपत भी आए थे सभा भाई, बहुत शानदार विकेट कीपर, बहुत जी उनकी तारीफ होती थी उनके ग्लव। देखिए अकमल का, कामरान अकमल की जो फैमिली है, तीनों की तीनों विकेट कीपर्स है, तीनों की तीनों पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, उमर अकमल, अदनान अकमल और कामरान अकमल, तो कई सारे विकेट कीपर, अकॉम्प्लिश विकेट कीपर बल्लेबाज वहां से भी उभरे हैं। जी सभा भाई, सर कुछ कह रहे थे जी। मैं सभा से पूछना चाहता हूँ कि विकेट कीपर हमेशा ये एक रही है कि क्राइसिस मैन जो कहते हैं ना टीम में, तो हमेशा से उनका ये किरदार रहा है कि क्राइसिस में विकेट कीपर जो है अपना हाथ ऊपर कर देता है, तो क्या थिंकिंग रहती है विकेट कीपर की, आप क्योंकि आप उस रोल में खेले हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, व्हाट इज द टॉक, क्या वजह से ऐसा इतना डिपेंडेंसी आती है विकेट कीपर बैट्समैन पे? क्रिकेट की तो बात छोड़ दें, आज अभी भी वही हाल, अभी भी क्राइसिस ही मैन मुझे लगता है कि मुझे ट्रीट किया जाता है हर एक प्लेटफॉर्म पे पर यार मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो फिटनेस लेवल काफी हाई रहता है विकेट कीपर का, दूसरी बात यह है कि लंबे समय तक फोकस करने का जो इंस्टिंक्ट होता है वो नेचुरल रहता है। आप अगर 6 घंटा अगर आप कीपिंग कर रहे हैं तो आपको एक आदत सी हो जाती है बॉल को वॉच करने की, उसके साथ साथ सीम पोजीशन को वॉच करने की, शाइनी साइड क्या है उसको वॉच करने की। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो विकेट कीपर है वो सबसे पहले पढ़ लेता है लेग स्पिनर के गूगलीज को, उनके वेरिएशंस को,
क्योंकि आदत सी बन जाती है बॉल को वॉच करने की, क्योंकि अगर आप बॉल को वॉच नहीं करेंगे तो फिर आपके मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इन्हीं सब कारणों से हमेशा से ये माना जाता है और प्रूफ किया है विकेट कीपर ने कि जब भी कुछ क्राइसिस होती है टीम में वो तैयार रहता है हमेशा बल्लेबाजी करने के लिए, चाहे वो विकेट कीपर ने 6 घंटे कीपिंग भी की हो उसके बावजूद अगर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो फिर वो विकेट कीपर तैयार रहता है। बस चलते चलते आया सर एक सवाल तो जहन में आता है कि जो भी कमाल के विकेट कीपर रहे वो कमाल के पिन मारने वाले भी रहे, वो जब तक पिन नहीं मारते तो उनको मजा नहीं आता था, ये क्या रीजन आप देख रहे हैं? किसी भी विकेट कीपर को आप आंख बंद करके सोचे उनमें ये खूबी जरूर नजर आएगी जिन्होंने बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा नाम किया। बल्लेबाज का सामने खड़ा है आप उसके पीछे है और अगर आप कुछ भी गेंदबाजी से गेंदबाज से बात कर रहे हैं क्लोज इन फील्डर से बात कर रहे हैं तो वो बैट्समैन को कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर डालेगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से ये रोल जो है एक्चुअली विकेट कीपर को दिया जाता है कि आप वो टेम्पो बनाए रखें कि बैट्समैन जो है उसको अनसेटल किस तरह से करें, ये नहीं है कि जब वो गेंद फेंकी जाए तब बात करें, लेकिन उसके पहले और गेंद के बीच में जो है जितना आप डिस्ट्रैक्ट कर सके उतना अच्छा है। बिल्कुल, और जिस तरह की सवा भाई की मुस्कुराहट कुछ वैसी ही मुस्कुराहट मुझे बार बार मोइन खान की याद आती है, वो बड़ा ग्लव्स रख के जो मुस्कुराते थे और क्या कुछ कहते थे वो आज भी समझ से परे। और बड़ा आपको किरण मोरे एक और एग्जांपल है किरण मोरे जी, तो ये कुछ ऐसे आज और राजीव के किरमानी यूज टू स्लेच, मुझे नहीं लगता है कभी भी नहीं स्लेच किया होगा। नहीं नहीं, वो अपने अंदाज में कहते होंगे जनाब कितनी दौर और खेलेंगे, मतलब होगा उनका अपना स्टाइल है। स्लेचिंग कभी भी नहीं किया था मुझे लगता है, महेंद्र सिंह धोनी ने भी नहीं किया, बट वो होगा उनका भी अपना स्टाइल, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी हर चीज छुपा के करते थे, हो सकता है स्लेजिंग भी वो छुपा के करते रहे। बहरहाल आज कमाल का सेशन रहा कमाल के विकेट कीपर्स के बारे में और बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई तमाम इनसाइट देने के लिए। अयाज सर की जो जर्नी रही है क्रिकेट के मैदान पर जिस तरह से उन्होंने विकेट कीपर्स के रोल को ब्रीफ किया बड़ा मजा आया सुन के, और मुझे लग रहा है हमारे जो दर्शक है उनको भी बहुत मजा आया होगा। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @RajivMish, मेरा ट्विटर हैंडल है @खेलनीति पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा खेलनीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMPodcast.com पर, गाना, Spotify, सावन, Google Podcast या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IBM Podcast Network. Our storytellers and storytellers Vineet meets legendary singer Usha Uthup and writer Srishti Jha, who worked on the singer's authorized biography, The Queen of Indian Pop. What happens when a Mauryan spy meets the chief soldier of the Kadamba Nadu on a dark night? Kavita Jeeva tells us on the Venvel Zenni Tamil podcast. On Audio Gyan, Kedar talks to Mohar Roy, co-founder of Co-Design, about building branding systems. On Press Decode, Sarah Bhakta and Prafulla touch upon the heartbreaking topic of Russia's invasion of Ukraine. And on IBM Live, Zalak asks Chalasmi and Antariksh about their thoughts on the movie Gangubai Kathiawadi. So, on a personal note, I wanted to let you all know that this week marks the 7th anniversary since I started IBM. I'm eternally grateful to the team we have here, especially Kavita Rajwade and Tejas Sringadpure, who have been here since the beginning. They've seen the struggles, our eventual acquisition by Pratilipi, and our continued struggles to make podcasting a large and thriving part of the media industry. We have the best hosts in the world, and I have to say that I'm so glad and so grateful that they have chosen to work with us. And finally, I'd like to say thank you to you, the millions of folks who have heard or watched our content. All I can say is, you ain't seen nothing yet. I hope you join us as we continue this journey. In the meanwhile, do follow us on social media. We're IBM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening to. You can also check us out on YouTube. Get a list of all of our channels. You can go to ibmpodcast.com/YouTube, where you can go to all the channels. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, Max Life Insurance, India Water Portal, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं।
नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं हर मंगलवार और शुक्रवार।